चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स की महामुकाबले के दौरान शिखर धवन की बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर पंजाब किंग्स ने मुकाबला 11 रनों से जीता, लेकिन शिखर धवन ने भी कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम करे इस मुकाबले में। पंजाब किंग्स और टीम इंडिया के धुरंधर ओपनर शिखर धवन ने आईपीएल 2022 के मैच नंबर 38 में 3 बड़ी उपलब्धि अपने नाम हासिल करी। धवन आईपीएल में अपना 200वां मैच खेलने उतरे। 36 साल के धवन ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इस मैच में 2 रन बनाते ही आईपीएल में 6000 रन पूरे कर लिए। इसी के साथ वे पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ खास क्लब में शामिल हो गए। वहीं महेश दीक्षाणा की पारी के 6ठे ओवर में छक्का लगाकर टी20 में भी 9000 रनों का आंकड़ा पूरा किया। लेकिन इसके बाद आपको बताया तो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रविंद्र जडेजा ने वानखेड़े स्टेडियम में टॉस जीता और पहले पंजाब किंग्स को बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया। पंजाब के लिए शिखर धवन और मयंक अग्रवाल ओपनिंग करने उतरे। धवन ने महेश की पहली पारी के दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर सिंगल लिया और टी20 लीग में 6000 रन पूरे किए। वहीं आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं, उनसे ऊपर केवल विराट कोहली का नाम है। आरसीबी के लिए पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल में अभी तक 6402 रन बनाए हैं और जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं विराट कोहली और जिस फॉर्म में शिखर धवन नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि इस सीजन ही वो कवर हो जाएगा। शिखर धवन ने इसी मैच में टी20 क्रिकेट में 9000 रन भी पूरे कर लिए। वे टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली सबसे ऊपर है, विराट के नाम 10392 रन दर्ज हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा जिन्होंने 10048 रन बनाए हैं और अब शिखर धवन जिन्होंने 9000 रन पूरे कर लिए हैं। लेकिन आपको बताया किस तरीके से धवन को आईपीएल के मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच अपना 200वां मैच खेलने उतरे थे। इसी के साथ वे 200 आईपीएल मैच खेलने वाले 8वें खिलाड़ी बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस लिस्ट में सबसे ऊपर है जिन्होंने 228 आईपीएल मैच खेले हैं। दिनेश कार्तिक और रोहित शर्मा 221 मैच के साथ दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन इस सीजन बात करें तो शिखर धवन पैसा वसूल साबित हो रहे हैं दोस्तों। पिछले सीजन तक दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा रहे 36 वर्षीय धवन इस सीजन अपने भले लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उन्होंने पुणे में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 70 रन की शानदार पारी खेली। लेकिन पिछले 2 मैचों में वह हैदराबाद के खिलाफ 8 और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 9 रन ही बना पाए। मेगा ऑक्शन में पंजाब ने धवन को 8,25,00,000 की बड़ी रकम पर खरीदा था। मुकाबले की बात करें तो शिखर धवन ही मैन ऑफ द मैच बने। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करी थी जहां 21 गेंदों में 12 रन बनाकर मयंक अग्रवाल पवेलियन चले गए, तो शिखर धवन ने 59 गेंदों में 88 रन यानी कि 59 बॉल में 88 रन 9 चौके 2 छक्के की मदद से मारे थे और भानुका राजपक्षे के साथ 110 रन की पार्टनरशिप करी थी। तो वहीं भानुका राजपक्षे ने भी 32 गेंदों में 42 रन की पारी खेली थी और लियाम लिविंगस्टन ने आते ही बड़े खूबसूरत 2 छक्के लगाए थे। 7 गेंदों में 19 रन उन्होंने भी बनाया था। चेस करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से सिर्फ अंबाती रायडू का और ऋतुराज गायकवाड़ का थोड़ा साथ देखने को मिला, जहां 27 गेंदों में 30 रन गायकवाड़ ने बनाए तो 39 गेंदों में 78 रन यानी 39 बॉल में 78 बनाए अंबाती रायडू ने 7 चौके 6 छक्के की मदद से। आखिरी के 2 ओवरों में जहां टीम को 40 कम रन चाहिए थे वहां पर रविंद्र जडेजा धोनी जैसे माहिर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन दोनों कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। खासकर जडेजा से उम्मीद थी, 16 गेंद खेलने के बावजूद भी जडेजा सिर्फ 21 रन बना पाए 1 चौके 1 छक्के की मदद से। इनका स्ट्राइक रेट इस बीच 131 का था जो स्ट्राइक रेट 200 का होना चाहिए था। तो वहीं धोनी ने 8 गेंदों पर 12 रन बनाया और टीम 11 रन से मुकाबला हार गई। बात करें शिखर धवन की तो शिखर धवन दोस्तों साल 2014 से आईपीएल के मुकाबले में है। साल 2014 में ये हैदराबाद की टीम में 12,50,00,000 की बड़ी कीमत में आए थे। उसके बाद 2017 तक ये 12,50,00,000 की कीमत तक रिटेन होते रहे हैदराबाद की टीम से ही। फिर हैदराबाद ने 2018 में अपनी टीम में दोबारा शामिल करा 5,20,00,000 की कीमत पर, लेकिन फिर इनको रिलीज़ करा तो दिल्ली कैपिटल्स ने इनको खरीदा। दिल्ली कैपिटल्स के साथ 2019 से लेकर 2021 तक 5,20,00,000 की रकम तक थे, लेकिन 2022 में इन्हें पंजाब किंग्स की टीम ने 8,25,00,000 की बड़ी कीमत पर खरीदा। मुकाबले में दोस्तों शिखर धवन ने 80 रन की बेहतरीन पारी खेली, इसके दम पर पंजाब किंग्स ने मैच जीता और इनको मैन ऑफ द मैच भी मिला। इसी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में पंजाब किंग्स की टीम दोस्तों अच्छी नजर आ रही है। जहां पर चेन्नई का लगभग सफर खत्म हो चुका है तो वहीं पंजाब किंग्स 6ठे नंबर पर आ गई है 8 में से 4 जीत और 4 हार के साथ। वहीं ऑरेंज कैप की लिस्ट में अगर शिखर धवन की बात की जाए तो सबसे ऊपर तो जॉस बटलर नजर आ रहे हैं और दूसरे नंबर पर उनके साथी खिलाड़ी केएल राहुल। लेकिन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर शिखर धवन 302 रन के साथ अब मौजूद हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।